गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज़ यू ऑल नो दैट आई एम योर एसएसटी टीचर प्रीति शर्मा फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट आने वाले हैं और उसकी तैयारी आपको करनी है। सिलेबस आपको दिया जा चुका है, तो हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर मैंने आपको ज्योग्राफी के 3 चैप्टर दिए हैं, एक तो वाटर रिसोर्स, दूसरा कंज्यूमर राइट एंड थर्ड वन इज़ सैनिटेशन। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर वाटर रिसोर्स, ज्योग्राफी का जो 8 चैप्टर है वाटर रिसोर्स, इसके बारे में। इसके एक्सरसाइज के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो आपको देखने ही देखने हैं, साथ ही साथ चैप्टर के अंदर से भी आपको पढ़ना है। तो हर एक चैप्टर के जितने भी नोट्स करवाए गए हैं उनकी आपको रीडिंग करनी है, और उसके साथ साथ पूरे चैप्टर को आप रीड करोगे। जैसे कि अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनको इंट्रोडक्शन के बारे में तो मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है, तो किस तरीके से क्वेश्चन उसमें बन सकता मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये नोट्स मैंने आपको करवाए थे, आप लोगों ने नोटबुक में भी कर रखा है, तो ये देखो कि 71% वाटर है, 29% हमारा लैंड पोर्शन है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कितना परसेंट वाटर जो वाटर प्रेजेंट है, कितना परसेंट जो है वो लैंड है, सलाइन वाटर जो है वो कितना है, तो हम 97% पे टिक करेंगे, रिमेनिंग वाटर कितना है तो 3% है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो है वो इंट्रोडक्शन का वाटर रिसोर्स का पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट आता है, तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, कब शुरू किया गया, कौन से रिवर पर बना हुआ है, कौन से स्टेट के अंदर है, कौन कौन से स्टेट का जॉइंट वेंचर है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके साथ साथ वहाँ उस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, उसकी लेंथ कितनी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, और ऐसी क्या स्पेशलिटी उसके अंदर और बताई गई है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी है, तो आप उससे भी रीड कर सकते हो, लेकिन बुक को भी एक बार आप ज़रूर रीड कर लेना। तो इस तरीके से आप इस वाटर रिसोर्स के चैप्टर को पूरा पढ़ोगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरा चैप्टर रीड कर लोगे, और जैसे कि देखो आपके नेक्स्ट वाटर रिसोर्स के अंदर ही वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं, तो हार्वेस्टिंग मेथड जो है वो कहाँ यूज़ किया गया, किसने कंस्ट्रक्ट करवाया, इसके बारे में भी अगर दिया गया है तो पढ़ना है। कुछ स्पेशलिटी जैसे कि आपको बावड़ी के बारे में दिया गया है कि सिटी ऑफ स्टेपवेल किसे कहा जाता है, तो बूंदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बावड़ियाँ हैं। कौन कौन सी बावड़ी यहाँ और प्रेजेंट है इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। पॉन्ड्स वगैरह है तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ने हैं। उसके बाद में ये सारे वाटर रिसोर्स पढ़ लिए, फिर इस नेक्स्ट जो है चीफ मिनिस्टर जल स्वलंबन योजना, इसके बारे में भी आपको नोट्स करवाया गया है, कहाँ स्टार्ट किया गया है, ये राजस्थान के अंदर से किया गया है। जैसे फर्स्ट लाइन ही दिया गया है कि ये कहाँ से शुरू की गई है, राजस्थान से। इसका मेन पर्पज़ क्या है उसके बारे में भी आपको करवाया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, आपको उसमें टिक ही करने हैं। ये फर्स्ट चैप्टर 8 चैप्टर जो है इसकी एक्सरसाइज आपको पूरी देखनी है। एडिशनल क्वेश्चन जो दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव के वो भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 18 वाला। 18 का जो चैप्टर है वो है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके भी एक्सरसाइज दी गई है, इसके आंसर आपको चैप्टर को पढ़ोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ आपका नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है आंसर। कई आंसर आप चेक भी कर लेना कि कई बार कैसा इसके अंदर आंसर्स जो होते हैं वो रॉन्ग भी होते हैं, तो आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसके भी अंदर से एक्सरसाइज जो
चैप्टर दिया गया है उसको भी आप रीड करोगे। जहाँ कोई भी डाउट हो, आपको नोट्स करवाए गए हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको पढ़ने में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना। तो जो भी आपको करवाए गए हैं उसके जो नोट्स वगैरह, तो उसमें से पढ़ना, तो आपको ईजी लैंग्वेज मिलेगी उसको पढ़ने में और लर्न भी अच्छे से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा सैनिटेशन वाला चैप्टर है, तो सैनिटेशन वाले चैप्टर के भी एक्सरसाइज आपको करनी है। एडिशनल इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो एक्सरसाइज वाले टिक द करेक्ट, और अदरवाइज़ आपको चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ओनली। तो बच्चों, अब आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।